जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद गाजीपुर। मानवेंद्र जी, टिकट के लाइन में आप भी हैं और वैसे भी आप युवा हैं। बीजेपी की जो सिस्टम है, जो भी उसकी नीतियां हैं, युवाओं के लिए बढ़ावा देने के लिए कई नीति अपनाती है बीजेपी, और उससे आप भी हैं, कैसा है महसूस हो रहा है? और टिकट के लाइन में आप भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जनतावासियों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी राजनैतिक संगठन है। इसमें हर प्रकार के लोगों को समावेशित किया जाता है, तो निश्चित तौर पर युवाओं का भी एक अपना अहम योगदान है और पार्टी हर बार युवाओं को भी अपनी प्राथमिक सूची में रखती है और इस बार भी रखेगी। मानवेंद्र जी, दरअसल देखा जाए तो कोरोना काल में देखने में आया था कि राशन से लेकर हर चीज़ उन तबके के पास आपने पहुंचाया था जिसके पास कभी संभव नहीं था पहुंचना। हमने भी खुद देखा था और हमारे जो भी साथी हैं सब लोग देखे थे इस चीज़ों को। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, किस तरह से आपने सोचा है? देखिए, देश में जब भी कोई आपदा आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी और तमाम आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता पहली पंक्ति में नजर आते हैं। तो उसका संस्कार ही रहा कि देश में जब लॉकडाउन आया, हम लोग समाज में निकले, यह कोई नई बात नहीं है हमारे संगठन के लोगों के लिए। हम आपके सामने और आपके बीच हैं और आज देखा जा रहा है कि आपने कार्यालय में अपने बैठे हुए हैं। आज कार्यालय का दरअसल उद्घाटन भी किया हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? और जनता के लिए आप एक जनप्रतिनिधि की तैयारी में हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं जनता से सबसे पहले? देखिए, कार्यालय तो हमारा पिछले 8 सालों से चल रहा है, आज चूंकि आप पहली बार आए हैं इसलिए आपको लग रहा है कि उद्घाटन हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पार्टी नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो सबको स्वीकार्य है, मुझे भी स्वीकार्य होगा। ऐसे में कल के बाद परसों दिन 9 वर्ष की शुरुआत होगी और ऐसे में प्रचार भी व्यापक रूप से शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिन चुनाव बचे रहेंगे, क्योंकि कोरोना काल भी है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है इससे भी काफ़ी बड़ा खतरा है। तो इसको देखते हुए क्या गाइडलाइन और किस तरह से क्या तैयारियां, कैसे चुनाव की तैयारी होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोज चुनाव लड़ता है, हम लोग रोज समाज में हैं। चुनाव के लिए कोई हमें अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जो लोग घर बैठे रहते हैं उन्हें चुनाव में निकलने की आवश्यकता है। हम लोग रोज सड़क में हैं, रोज समाज में हैं, हमें कोई नई तैयारी चुनाव की दृष्टि से नहीं करनी। 9 वर्ष कल के बाद परसों है, उसको लेकर आपके चैनल के माध्यम से गाजीपुर जनपद के और जमानिया विधानसभा के समस्त देवतुल जनमानस को 9 वर्ष की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।